बहुत दुर्भाग्य की बात है, जैसा कि बीजेपी की रमन सरकार अभी एक दम्भ भर रही है कि 14 साल बेमिसाल और 14 साल में विकास का गाथा गा रही है, लेकिन दुर्भाग्य की बात है, एक तरफ मातृत्व शक्ति जो आपके सामने यहाँ दिख रहे हैं, जो एक जवान से लेकर के बूढ़े बुजुर्ग महिला तक पुरुष तक यहाँ आए हुए हैं, कितने गरीबी से जीवन यापन कर रहे हैं, अपने बच्चे को छोड़ करके अपने बच्चे को पालने के लिए संघर्ष कर रहे हैं, ये रसोईया संघ के हैं और लगातार ये भूख हड़ताल में और हड़ताल में लगातार ये बैठे हुए हैं कि हमारी सात सूत्रीय मांगों को पूरी की जाए, लेकिन रमन सरकार के कान में जूं तक नहीं रेंग रही है। इन बेचारे महिलाओं को जो सब तरफ काम धंधा घर का छोड़ करके पूरा करके सब तरफ एक सेवा दे रही है, एक दिन में इनको 40 रुपया मिलता है वेतन और सुबह 10 बजे से लेकर के शाम के 3 बजे 4 बजे तक इनसे काम कराया जाता है। अब बताइए, दुर्भाग्य की बात है, मतलब एक मजदूर जो काम करता है कहीं पास, उसको 150-200 रुपया मिलता है एक दिन का मजदूरी भुगतान, लेकिन इन महिलाओं को मात्र 40 रुपया दे रहा है पर डे, मतलब 1200 रुपया में इनको पूरा परिवार को चलाना पड़ रहा है। इनके सामने दो दो तीन तीन बच्चे हैं, इनके बूढ़े माँ बाप हैं, बीमार माँ बाप हैं, ये स्वयं हैं, इनके पति हैं, इनके घर वाले लोग, इतने लोग आश्रित हैं, उनके बाद भी स्थिति है, सरकार सुनने को तैयार नहीं है। उल्टा ये सरकार, रमन सरकार बोलती है कि आप चुपचाप अपना आंदोलन लो वरना आप लोगों के खिलाफ में कार्रवाई की जाएगी और नहीं तो सस्पेंड कर दिया जाएगा। क्या 14 साल बेमिसाल का यही एक उदाहरण है? क्या रमन सरकार यही पेश करना चाहती है कि हमारा विकास ही है? रमन सरकार को सोचना पड़ेगा, मातृत्व शक्ति के साथ में महिलाओं के साथ में अगर अत्याचार किया जाता है तो आने वाला समय उनके लिए बहुत ही खतरनाक और बहुत ही खराब होने वाला है। मैं वहाँ आह्वान करना चाहता हूँ उनसे, इन महिलाओं के लिए मैं निवेदन करना चाहूँगा कि रमन सरकार इनकी जो सात सूत्री मांग है उनको ध्यान दीजिए और इनकी पीड़ा को समझिए, इनकी मर्म को समझिए, अन्यथा वो दिन दूर नहीं जब आपको सत्ता में अगर ये बैठाए हैं तो बहुत जल्द सत्ता से उखाड़ के फेंकने का दम्भ भी रखते हैं। धन्यवाद।